स्टैंड अप फॉर द प्रेयर प्लीज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेशान मुनि गुरु सस्मरुनि लक्ष्मी स आवाहिले। आम्ही गुंतवणूक शास्त्र शिकण्या हे सत्र आरंभिले। केव्हा स्थावर आणि जंगम कधी कोठे किती गुंतवू। चर्चा मंथन तज्ञ बोध मिळता हे प्रश्न ही सोडवू। ठेवी भाग सुवर्ण पोस्ट अथवा रोखे तसे फंडते। वृद्धी भांडवली मिळो कर नको पर्याय हो कोणते। कोठे उत्तम रोखता सुगमता लाभांश वा व्याजही। कोठे गुंतविणे सुरक्षित असे नोंदीस कैसी वही। सन्मार्गे धन संपदा मिळविणे अत्यंत आवश्यक। पैसा ध्येय नसे म्हणून जपणे जाणीव सामाजिक। ज्ञानाचा उपयोग गुंतवणुकी साठी सदा होऊ दे। हे सारे समजावया सुमती दे आम्हास तू शारदे। गुड मॉर्निंग वन्स अगेन। देर आर सर्टन टॉपिक्स विच वी वुड लाइक टू रिविजिट यू नो एट लीस्ट वन्स अ ईयर एंड रिटायरमेंट प्लॅनिंग और फायनान्शियल प्लॅनिंग एंड हाउ यू मैनेज योर रिसोर्सेस बीइंग अ सीनियर सिटीजन। इट्स वेरी इम्पॉर्टंट एंड सो वी ऑलवेज फील दैट यू नो वी शुड गेट अ स्पीकर एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी हु वुड शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ यू एंड विथ दैट व्यू इन पर्सपेक्टिव वी हैव इन्वाइटेड टुडे मीरा एसेट टू होल्ड अ प्रोग्राम फॉर अस। वी हैव मिस अल्पा शाह हु इज रिप्रेजेंटिंग मीरा एसेट एज अ ऑफिशियल ट्रेनर एंड सो विदाउट यू नो टेकिंग मच ऑफ योर टाइम आई विल हैंड ओवर द पोडियम टू हर। बिफोर वी प्रोसीड आई विल रिक्वेस्ट मिस ओके मिस उदय ताडळकर टू फेसिलिटेट द यू नो हैंडिंग ओवर द मोमेंट ऑफ दिस। Thank you so much. Thank you so much. Now I'll invite Ms. Alpa Shah over to you. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू ऑल। इतनी बारिश में भी हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगा नहीं था कि आज इतने सारे लोग आएंगे, पर मुंबई का तो कुछ झील ही अलग है ना। और चाय पकौड़ा मस्त खा के आए होंगे आई एम श्योर। थैंक यू सो मच यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम अल्पा शाह है, मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑथर हूँ और फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। मेरी कंपनी का नाम एम्पावर एजुकेशन है। एम आई ऑडिबल? थैंक यू। और मेरा एक एनजीओ भी है जिसका नाम है फ्रीडम फाउंडेशन। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है मनी की बात अल्पा के साथ। मैंने तकरीबन 17 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम किया हुआ है और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद का मेरा बिजनेस शुरू करती हूँ। गुजराती हूँ ना, ब्लड में है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर एक अच्छे देश का नवनिर्माण करना हो तो यूथ को और विमेन को बहुत जागरूक करना ज़रूरी है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन अपने कंट्री में विमेन है और अभी तो यंगेस्ट कंट्री भी हो गया है ना दुनिया में। तो मैंने दो किताबें लिख डाली, एक कोविड में लिखी थी
और एक कोविड के पहले लिखी थी। दोनों किताबें मैंने महिलाओं को काफ़ी हद तक समर्पित किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन यू एडुकेट वन वुमेन, यू एडुकेट द होल फैमिली, द होल जनरेशन एंड द होल कंट्री, यू नो। तो जितनी भी यहाँ पे महिलाएं बहुत कम हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट मल्टीफोल्ड होगा। और बहुत रिसेंटली एमएसएमई और एसएमई स्टार्टअप फोरम भारत गवर्नमेंट ने मुझे एक और रोल दिया है, ऑनररी रोल है ऑफ कोर्स, माय गिविंग बैक ओनली, जिसमें मैं एमएसएमई और एसएमई और जितने भी स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में, उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे प्राप्त हो, उनको समझ में नहीं आता ना बहुत बार कि कैसे हम अवेल करें ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए विमेन डेवलपमेंट सेल का मुझे उन्होंने हेड बनाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं विमेन के साथ बहुत जुड़ी हुई हूँ, पर उसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं मेन को एम्पावर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सही मायने में अगर मेन को एम्पावर करेंगे तभी विमेन का भला होता है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो तीन मैन हैं, दो बेटे और एक मेरे हस्बैंड, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कभी भी आगे आ बढ़ सकती नहीं थी। सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट मैं आप सबका वापस शुक्रिया करूंगी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड यहाँ से मुझे तो लग रहा है मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगी, इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, मुझे लगता है कि शायद नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी के पास संपूर्ण नहीं हो सकती है, तो मैं भी आप लोगों से कुछ सीख के ही जाऊँगी। एंड आई होप आई कैन मेक सम एडिशन एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब बहुत बड़े बड़े भारी भरकम जो वर्ड्स हमने क्रिएट किए हैं, वो आज मैं सिंप्लीफाई वे से आपको कुछ सिखा के जाऊँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी मिरई एसेट म्यूचुअल फंड का, एंड हियर नाम लिया और हाजिर। सो थैंक यू सो मच मेरे एसेट म्यूचुअल फंड फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और उन्हीं की वजह से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है। और आप सबको पता है ना इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम क्या होता है, या मैं क्विकली समझा देती हूँ आप लोगों को कि भाई सेबी, एमफी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सब ने मिलके, जितने भी हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी है या एसआरओ है या जो भी हमें एज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्ट करना चाहता है, एम्पावर करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, उन्होंने ये एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करके एक शुरू किया है, जिसमें जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं या बीएफएसआई सेक्टर में एज अ होल, थोड़ा सा पैसा जो हमारे खुद के हैं, हम इन्वेस्टर्स जो उनके यहाँ निवेश करते हैं, उनका जो एयूएम होता है उनमें से थोड़ा बेसिस पॉइंट, एक बेसिस पॉइंट टू बी वेरी प्रिसाइज, एक बेसिस पॉइंट एमफी को चला जाता है और एक बेसिस पॉइंट जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ खुद इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम या और भी बहुत सारे इनिशिएटिव से हमें जागरूक करता है, ताकि इन्वेस्टर्स, आप और मैं जो एंड इन्वेस्टर्स हैं, वो सही डिसीजन ले पाए जब भी हम अपने हार्ड अर्न पैसे निवेश करते हैं। और मेरा ये फर्म मानना है कि हालांकि डायरेक्ट और रेगुलर दोनों एनएवीज हमें अवेलेबल है, पर हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या मेंटोर या क्रिटिक या पार्टनर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कितना भी नॉलेज हमें क्यों ना हो, आई थिंक हमें किसी की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम फोकस्ड रहें और हम हमारा वेल्थ क्रिएशन का जो बड़ा पिक्चर है वो कभी भी गवाए नहीं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर आप लोगों के पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप ज़रूर डायरेक्टली भी कर सकते हो। और दूसरी बात, ये पर्टिकुलर सेशन में हम कहीं पे भी आपको कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज ओनली एंड ओनली एम्पावरिंग एंड एडुकेटिंग यू। सो नो बडी विल आस्क मी ऑल्सो कि कौन से स्कीम में या फंड में या शेयर में या प्रोडक्ट में हम निवेश करें जहाँ पे हमारा पैसा बन सकता है ज़्यादा। हम ये पूरा सेशन वाई, हाउ, वॉट, वेयर, बिगर पिक्चर पे फोकस करेंगे, है ना। तो ऑन दैट नोट, ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो मिरई एसेट म्यूचुअल फंड ने स्पॉन्सर किया है आज, और मैं एक न्यूट्रल एडुकेशनिस्ट हूँ, ट्रेनर हूँ, मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करती हूँ। तो बस वही कैपेसिटी में मैं आज आप सबसे ये सारी चर्चा विचारना करूँगी।
सो थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. ये मेरे ख्याल से हम 40-45 मिनट्स में ये सेशन ख़त्म करेंगे. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो हम लाए हैं, हम इसको बिल्कुल ज़्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे, ज़्यादा चार्ट्स वगैरह नहीं दिखाएंगे आपको. बहुत सिंपल वे से हम आपको दो चीज़ सिखाने वाले हैं यहाँ पे, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड व्हाई रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना. और उसके बाद अगर इफ़ देर इज़ एनी डाउट क्वेश्चंस, प्लीज़ फील फ्री, मोर देन हैप्पी टू आंसर देम. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सो मैं पहले है ना 10 मिनट्स एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर देती हूँ, और फिर क्या होगा ना कि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स विल बी इजी फॉर यू ऑल टू ग्रास्प. मैं कुछ पूछूँ आप लोगों को, आप लोग थोड़ा एक्टिवली एंगेजिंग सेशन रखते हैं ना, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाता है ना वन वे. आप लोग सब बहुत ही इवॉल्व्ड और मैच्योर लोग लगते हैं मुझे, काफ़ी नॉलेजेबल भी लग रहे हैं, और बम्बई जैसे प्लेस में हैं तो ऑब्वियसली समझदारी भी बहुत है. आप लोग सब कहाँ अपना पैसा निवेश करते हैं और कौन से स्टेज में हैं आप आज अपने ज़िंदगी के, कोई भी मुझे बता सकता है? वेयर डू यू ऑल इन्वेस्ट योर मनी? FD, बैंक FD, ओके, इक्विटी, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, वेरी नाइस, कैश एज वेल, यस 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 Yes, sir. Yes, so, sir. Liquid cash. Okay, very nice. Good answers and very honest also. यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहे हैं. सर आप पैसा निवेश करते हैं नहीं करते हैं? अच्छा चलो ठीक है. पर मुझे ऐसे समझ में आ गया है कि यहाँ पे मिक्स्ड क्राउड है, कोई इक्विटी, कोई पोस्ट ऑफिस, कोई बैंक FD, यानी कि कोई इन्फ्लेशन बीट कर रहा होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, और कोई नहीं कर रहा होगा, बट दे आर हैप्पी सॉल, दे आर सॉर्टेड पीपल. तो देखो, देर इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप याद रख लीजिए, देर इज नथिंग राइट, देर इज नथिंग रॉन्ग. ये कहीं नहीं लिखा है कि मैं ही सही हूं या आप ही सही हो, या आप गलत हो मैं सही हूं. नो, इट इज ऑल अबाउट अवर प्रोस्पेक्टिव इन लाइफ. हमको क्या, हमारे रिस्क टेकिंग एपेटाइट, ड्रीम गोल और लिक्विडिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहा है वो हमने किया है. जिसे हमें पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, जो हम समझ रहे हैं, वही प्रोडक्ट में हम निवेश करेंगे, वो हमारा थॉट प्रोसेस होता है बहुत बार. सो प्लीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वॉट एवर वी विल डिस्कस, देर इज नो थंब रूल दैट्स द ओनली राइट थिंग फॉर यू ऑल. यू टेक योर लाइफ डिसीजन द वे यू वॉन्ट, है ना. सो इन्वेस्टर साइकोलॉजी जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. And let me tell you, at times we are the biggest enemy of our own for not becoming rich in our life. दो चीज आती है, एक तो ईगो बहुत आ जाता है कि हमें सब कुछ पता है, ये क्या कि हमको सिखाएंगे भाई, और दूसरा कि यार मुझे रिस्क नहीं लेना है. तो ये दो चीजों की वजह से ही हम अपनी वेल्थ को गवा देते हैं, और वो फैक्ट है, नो बडी कैन डिनाई दैट. आप पिछला 200 साल भी उठा के देख लोगे तो यही है. So quickly, 4-5 things I'll set it up and then we'll go through the PPT. सबसे पहले, why we all should do goal-based financial planning. So there are few reasons. First reason is there is something called 30-30 challenge. Can anybody tell me what is 30-30 challenge? So would you like to try? Okay, I'll give you one hint. एक 30 जो है वो आपकी उम्र बताती है, और एक 30 जो है वो भी आपकी दूसरी उम्र बताती है. पहला 30 क्या है? अर्निंग एज किसने बताया? यस, प्रोडक्टिव एज. जब आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है, आप यंग हो, मेडिकल आपका इश्यू नहीं है. 25 से 55 कितने साल हुए? और 55 से 85 और कितने साल हुए? इन्फ्लेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विल नीड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अस, क्योंकि जितना हम प्रोडक्टिव है ना, उतना ही हमारा रिटायरमेंट स्टेज भी है.
And that's why goal-based financial planning, especially for retirement, midlife, becomes extremely crucial. अब यहाँ पे काफी सारे लोग, मुझे पता है after the session is over बोलेंगे कि अब मैं तो already 55-60 का हो गया, अब क्या करूँ? लेकिन ये मत भूलिएगा कि 55-60 के बाद भी आपके पास 30 years है, you can create lot of wealth, आप बहुत पैसा बना सकते हो. So that is what we all will discuss here, है ना? क्योंकि आपका वो stage भी तो बड़ा confident होता है ना? आपकी जवाबदारियां खत्म हो जाती है, आपको सिर्फ अपना हेल्थ और वेल्थ का ध्यान रखना है वो स्टेज में, और कुछ नहीं करना है. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और पैसा, ये तीन चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ के आगे बढ़ना है. और ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स, तो इट गोज विदाउट सेइंग, राइट? फ्रेंड्स और फैमिली, वो तो डिस्कशन ही नहीं है, वो तो हमेशा अच्छे होने ही चाहिए हमारे साथ. ओके, सो ये हो गया 30-30 का चैलेंज. मैं इतनी दुखी हूँ कि एक भी विमेन नहीं है आपके अलावा, मैडम और मेरे अलावा यहाँ पे. नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ ना तो 50%. यार सॉरी, आई कुडंट सी, आपको तो फ्रंट बेंच पे बैठना चाहिए. ओके, सो विमेन लिव लॉन्गर देन मेन एंड दे आर यूजुअली यंगर देन देयर हस्बैंड्स. अब आप बताइए, मैं क्यों महिलाओं को इतना एनकरेज करती हूँ कि कम फॉरवर्ड एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर फाइनेंसेस. इवन इफ यू आर अ होम मेकर, यू शुड नो व्हाट्स हैपनिंग. देखिए क्या होता है ना, हमारे देश में 88% विमेन आर होम मेकर. जितनी भी होम मेकर्स है उसमें से 88% विमेन जो है वो घर चलाती है, हस्बैंड्स नहीं चलाते. दैट मीन्स उनको पैसों की समझ बराबर है और वो ज्यादा जिएगी. यानी कि मेरी ही बात करती हूँ, मैं किसी और विमेन की क्यों बात करूँ. बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 75-85 जो मेरा स्टेज होगा ना, मैं अकेली होगी. मेरे तो दोनों बच्चे भी फॉरेन में हैं, मैं शायद ज्यादा जिंदा रहूंगी. तो मुझे मेरे स्वास्थ्य का और पैसों का ध्यान रखना है, टू हैव माई ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, ताकि जब तक मैं जिंदा हूं किसी के ऊपर पैसों के लिए डिपेंडेंट ना रहूं. सो सबसे बड़ा गोल मेरी लाइफ का क्या हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर माई सेल्फ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 99% लोगों को जब मैं मिलती हूं तो वो लोग बच्चों का प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं लेकिन खुद का प्लानिंग भूल जाते हैं. ट्रस्ट मी, आप पिछले 1000 सालों को देख लो, अपने बच्चे जो है ना, नेक्स्ट जनरेशन वाले, वो अपने से 1000 गुना अच्छा ही करते हैं. हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं बट दे आर सुपर स्मार्ट. आप बच्चों का इतना फिक्र मत करो, उनको एडुकेशन दो, वैल्यू सिस्टम दे दो, दैट्स इट, वो बहुत अच्छा करेंगे. लेकिन अगर हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो शायद उनको पसंद नहीं आएगा वो, और हमें भी पसंद नहीं आएगा. तो सबसे पहले प्रॉमिस मी कि हम अपना मिड लाइफ प्लानिंग करेंगे और अपना खुद का प्लानिंग करेंगे और फिर बच्चों का प्लानिंग के ऊपर आएंगे हम. अच्छा, उसके पहले एक और प्लानिंग करना चाहिए गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में. मैं जो सबको बोलती रहती हूँ, पेरेंट्स प्लानिंग करिए. आज इतने सारे बच्चे मेरे पास आते हैं 30 साल की उम्र में कि उनको अपने पैसों के दम पे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है लेकिन प्लानिंग नहीं कर पाते और देन दे रिग्रेट कि अरे मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ किया नहीं. सो प्लीज, द गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो कवर्स पेरेंट्स प्लानिंग. तो आप अपने बच्चों को जाके ये सारा चीज सिखा सकते हो कि भाई अगर आपको अपनी जिंदगी अपने दम पे, अपने टर्म्स पे जीनी है, तो ये सारे गोल्स को पहले आप क्लियरली मेंशन करो और उसको अचीव करने के लिए क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करना है वो सीखो. सो दिस इज हाउ आई जस्ट वांटेड टू सेट द कॉन्टेक्स्ट. यू हैव टू बीट इन्फ्लेशन, यू हैव टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यू हैव टू डू definitely achieve your dreams and goals, and remember 30-30 challenge every time when you decide about your asset allocation. अब काफी बार मुझे लोग बोलते हैं कि भाई कितना निवेश करना है, पैसा तो बचता ही नहीं है, आप क्यों ऐसे सेशंस लेके आ जाते हो, है ना? ये कॉमन होता. मैं भी देखो क्या ना, मुझे भी आई लाइक टू क्रिब, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी. आई लाइक टू गॉसिप, आई लाइक टू क्राई अननेसेसरी, आंखों के लिए अच्छा है. लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट, इफ इट इज टू मच, नो, इट क्रिएट्स नेगेटिविटी एंड देन इट अफेक्ट्स योर हेल्थ. सो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी आपको कि बी पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर डिसीजन यू टेक. ज्यादा भी मत एक्सपेक्ट करो, नहीं तो वो भी दुख मिलता है लाइफ में.
सो सबसे पहले कितना निवेश करना चाहिए उसका एक सिंपल रेशियो मैं बता दूंगी आपको, 50-30-20. 50% यू कैन स्पेंड ऑन योर नीड्स, 30% ऑन योर वॉन्ट्स एंड 20% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए एनी स्टेज. मैं 70-year-old को भी ये बोलती हूँ, तो इट इज़ हैविंग नो एज रेलेवेंस, आपको करना ही है जब तक जिंदा है ये फॉलो करना है. दूसरा एक अच्छा रेशियो है 30-30, 40-50 एंड 50-100. जब आप 30 साल के हो आप 30% निवेश कर सकते हो. When you are 40 years old, you can try and invest 50% of what you earn. And when you are 50 years old, you can invest 100% of what you earn. How and why? जो अगला 20 साल आपने, मैं तो आई एम अ फैन ऑफ इक्विटी मार्केट. मेरा तो मुझे लगता है कि देर इज नो अदर एसेट क्लास अदर देन इक्विटी, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी बायस्ड. इट्स नॉट करेक्ट ऑन माई पार्ट कि जो मुझे सही लग रहा है वो मैं आपके ऊपर ठोकूँ. नो, आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन एसेट एलोकेशन डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट, योर लाइकिंग, योर माइंड सेट, योर लिक्विडिटी क्राइटेरिया. पर मैं बहुत फॉर्मली बिलीव करती हूँ कि अगर पैसा बनाना है कंपाउंडिंग इम्पैक्ट से, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन वे से, इवन इफ इक्विटी गिव्स यू 10-12% रिटर्न्स, आपको लास्ट 10 years, 50 साल के जब होंगे ना, तब आप पैसिव इनकम जनरेट कर दोगे और आपको अपनी सैलरी को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और सोचो आप कितने सुपर डुपर रिच रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पैसा मिलेगा. सो ये बात मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि एक स्टेज आता है लाइफ में जब आपकी एक्टिव इनकम जो है ना वो कम हो जाती है पर पैसिव इनकम ज्यादा हो जाती है. आई एम इन टू दैट स्टेज राइट नाउ, ट्रस्ट मी. मैं मुझे जो अच्छा लगता है वो ही करती हूँ क्योंकि मेरी पैसिव इनकम है. आई एम नॉट ऑलवेज वरीड अबाउट माई एक्टिव इनकम एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ. ये बहुत मीठा स्टेज होता है लाइफ में. Try to achieve that with the help of goal-based financial planning. और दूसरी एक चीज़ है asset allocation, जैसे कि मैंने बहुत insist किया पहले भी. So 100 minus age करके एक formula होता है, that is asset allocation. आपको अपने age के हिसाब से निवेश करना है. सो अगर आपके पास 100 रुपया बचता है निवेश करने के लिए और अगर आप 30 साल के हो 30 years के हो, सो 100 minus 30 is हाउ मच, 70 rupees और परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टेबल कॉर्पस विल गो इनटू लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म गोल्स, मेनली इनटू इक्विटी. यार सॉरी इफ आई एम लिटिल इंसिस्टिंग ऑन इट, बट मुझे क्या लग रहा है ना कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग में, मैं ये कहीं नहीं बोल रही कि आप डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करिए. नो, यू कैन इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड, यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली, यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम नाइस रिसर्च पर्सन, स्टॉक मार्केट, स्टॉक ब्रोकर, हुएवर यू वांट टू, बट इक्विटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है PMS है, काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मीनिंग ये है कि इक्विटी आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, जब आप छोटे हो तब 70% तक आप निवेश कर सकते हो, ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और नंबर ऑफ ईयर्स से, लॉन्ग टर्म से आप बहुत सारा पैसा उसमें बना सकते हो. एंड दैट्स द ओनली एसेट क्लास विच विल बीट इन्फ्लेशन इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एनालिस्ट्स. देखिए मैं ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि आपको श्योर रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं, बट इट रियली हेल्प्स इफ यू थिंक लाइक दिस. 30% कहाँ जाएगा? सर ने बोला मेरे पास कैश है, मैं इमरजेंसी के लिए रखता हूँ, बहुत अच्छी बात है, पर वो कैश को आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं. सो 6 महीने का आपका जो खर्चा है वो इमरजेंसी फंड में आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए और उसको टच करना नहीं है. सो फॉर 6 months, गॉड फॉरबिडन इफ एनीथिंग हैपेंस, आपका घर खर्चा अटकेगा नहीं, एंड देन यू कैन फिगर आउट ना कि आगे क्या करना है. फिर आपका टैक्स प्लानिंग आएगा. देखिए बजट अराउंड द कॉर्नर है. क्या लग रहा है भाई बजट में? ATC का लिमिट बढ़ाएगी मैडम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कुछ सुधार वधार आएंगे? देखिए उम्मीदों पे दुनिया कायम है और हमें तो सोच, मैंने बोला ना पॉजिटिव रहना है.
तो मैं तो वेट कर रही हूँ कि ये सारी खुशखबरी आए और बस इन्वेस्टर्स को फायदा हो. तो प्लीज़ रिमेंबर, आपको ये 30% जो है उसमें टैक्स प्लानिंग, प्रोटेक्शन प्लानिंग करना है आपको. टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, क्रिटिकल इलनेस मेडिक्लेम, सर्जिकल मेडिक्लेम, कैंसर स्पेसिफिक मेडिक्लेम, विल ड्राफ्टिंग, सक्सेशन प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये जाएगा आपका 30% इसमें भी. सो तीन चीज़ क्या मैंने बताई, टैक्स प्लानिंग, प्रोटेक्शन प्लानिंग एंड एमरजेंसी फंड. पर आज का जो डिस्कशन है वो हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उसमें ज़्यादा लगती है, कन्विंसिंग मुझे आपको उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा. बाकी सारी चीज़ें तो आप अच्छी तरह से कर लेते हो. ऑल राइट, सो ये मैंने आपको पूरा बाइफरकेशन दे दिया. कितनी सारी चीज़ें हमने सीख ली आज, एसेट एलोकेशन, कहाँ पे कितना जाना चाहिए, why इक्विटी, लॉन्ग टर्म, एक्सेट्रा. देखिए मैं इक्विटी के ऊपर और भी दो चार चीज़ें बताना चाहूँगी, बट बिफोर दैट आपको पता है सेबी ने एक न्यू एसेट क्लास भी लॉन्च करने की सोची है. और या वी आई एम वेटिंग फॉर इट, फाइन प्रिंट्स कुछ आया नहीं है, तो लेट्स होप. क्या होता है ना कि PMS वगैरह के लिए आपको मिनिमम टिकट साइज थोड़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने ऐसे सोचा है कि हम इसको थोड़ा कम करके 10 लाख जितने टिकट साइज पे भी हम अगर ये सेम चीज़ें ऑफर कर सकते हैं तो वाई नॉट. सो लेट्स वेट, होप फॉर द बेस्ट. शायद हम लोगों को भी PMS वगैरह 15-20-25 लाख में भी हमको मिल सकते हैं, 10 लाख में भी मिल सकते हैं. फाइनली ये आप मुट्ठी बांध दीजिए कि एक्विटी मार्केट में स्ट्रक्चर्ड वे से, डिसिप्लिन्ड वे से, लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा बनाओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बना पाओगे. आज की तारीख में ट्रूली अमृत काल है, ट्रूली सुवर्ण काल है. हम बहुत नसीब वाले हैं कि आज हम भारत में हैं. जैसे एक ज़माने में वॉरेन बफेट बोला करता था कि मैं इतना पैसे वाला हूँ क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन USA, शायद 15-20 साल के बाद मैं ये बोलूँगी कि आई एम सो रिच बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन इंडिया. तो ये स्टेज आपको छोड़ना नहीं है, इसका पूरा फायदा उठाना है हम सबको भाई. लेकिन खुद का दिमाग प्लीज ज्यादा मत लगाना, सॉरी इफ आई एम टू हार्श. टेक एक्सपर्ट्स एडवाइस, बी लिटिल कंजर्वेटिव, हैव कैलकुलेटेड रिस्क इन माइंड. शॉर्टकट्स फटाफट में मत जाइएगा, ग्रीडी मत बनिएगा. साइकोलॉजी विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन हाउ मच मनी यू आर मेकिंग इन नेक्स्ट 10 ईयर्स. पैसा तो बनेगा, पैसा तो बनना ही है बाई डिफॉल्ट, पर कितना बनाओगे, कैसे बनाओगे, कितने स्ट्रेस के साथ बनाओगे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, सो मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखा दी. देखिए अब कितना स्ट्रक्चर्ड वे से हो गया, कितना करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सारी चीजें डिस्कस हो गई है ना. लाइफ इज वेरी इजी नाउ फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस PPT. और अगर आपको कोई भी सवाल हो प्लीज रजिस्टर इट, मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट. सो मैंने आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सिखा दी है कि भाई गोल्स क्या है. अब यहाँ पे एक मैं चीज़ देख रही हूँ, फिलेंथ्रोफिक गोल्स. पता है जब हम फैमिली ऑफिसर्स के साथ या HNI के साथ डील करते हैं ना, तो उनको पहली वरी ये नहीं होती कि मैं कितना ज़्यादा पैसा बनाऊँ. उन्होंने तो पैसे ऑलरेडी बना दिए हैं. उनकी वरी ये है कि ये पैसे को सेफ गार्ड कैसे करूं और इस पैसे को मैं लेगेसी कैसे क्रिएट करूं, मेरे जाने के बाद ये सही हाथों में कैसे जाए ये पैसा. और वो चाहे HNI है या कोई भी है, हमारे लिए हम भी तो HNI है भाई. आई तो फील, मैं खुद भी एक फैमिली ऑफिस को बिलोंग करती हूं, अल्पा शाह ग्रुप ऑफ कंपनीज, वाई नॉट. सो थिंक दैट यू योर सेल्फ इज अ वेरी बिग HNI एंड देन टेक decisions. आप इतने प्रोफेशनली लोगों के साथ डील करना सीख जाओगे और अपने साथ भी, कि आप कहीं पे भी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करोगे अननोइंगली ऑल्सो. सो आई एम ट्राइंग टू एनकरेज यू दैट हैव समथिंग विच यू रियली इज पैशनेट अबाउट, बीट बी फिलेंथ्रॉफिक, बीट बी और टैलेंट, बीट बी गिविंग बैक टू सोसाइटी, वट एवर इट इज. सो लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट मटीरियलिस्टिक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइफ इज ऑल्सो बियॉन्ड दैट, है ना. तो आपको प्लीज ये सारी चीजें सोच समझ के करनी है. सो मैंने ये काफी सारा आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, बट स्टिल मैंने सोचा कि मोस्ट ऑफ अस इन्वेस्ट विथ अ थॉट इन माइंड टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न्स
which often leads to investment mistakes like trying to time the market. मैंने आपको बोला ना कि दुनिया में ऐसा कोई है नहीं इंसान जो मार्केट को टाइम कर सकता है. सो लेट्स मेक अवर लाइफ प्रोसेस ड्रिवन ऑन ऑटो पायलट मोड विथ एक्सपर्ट्स एडवाइस. मैं हमेशा अंडरलाइन करती हूँ, वी विल नीड हेल्प, वी विल नीड क्रिटिक्स, वी विल नीड मोटिवेशनल पीपल इन आवर लाइफ, वी विल नीड मोर नॉलेजेबल पीपल देन अस बिकॉज वी आर एट टाइम बिजी इन आवर ओन रूटीन लाइफ. यू विल नीड हेल्प, ठीक है. या फिर आप हाइब्रिड मोड को सिलेक्ट करो. खुद इन्वॉल्व तो होना है आपको, देर इज नो सेकेंड थॉट. यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली लीव एनीथिंग. अरे मैंने आपको बोला था आप क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता है. आपको इंटरेस्ट भी लेना है और आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करके फ्रीडम भी देना है, और फिर हाइब्रिड मोड से आप डिसीजंस लोगे तो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो. सो ये जो है ये प्रोसेस है. लिस्ट योर फाइनेंशियल गोल, क्लासिफाई योर गोल्स एज पर द टाइम होराइजन. सो मैप योर इन्वेस्टमेंट्स विथ योर गोल्स. ये बहुत बड़ी चीज है. कोई भी स्कीम और फंड सही या गलत होता नहीं है, पर क्या हमने उसको सही टेन्योर, सही गोल के लिए फिट किया है? अगर मेरे बेटी की शादी 10 साल के बाद है तो ऑब्वियसली मुझे लिक्विड म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, मुझे इक्विटी में या हाइब्रिड फंड में डालना है, डिपेंडिंग अपॉन माई रिस्क टेकिंग एपेटाइट. इफ आई एम मॉडरेट देन आई शुड गो फॉर हाइब्रिड, इफ आई एम एग्रेसिव देन आई शुड गो फॉर लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डिपेंड्स. सो ये बहुत बड़ी चीज है. रिमेंबर दिस फॉर एवर. मैप योर इन्वेस्टमेंट्स विद द गोल एंड टेन्योर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. एंड देन हैव पेशेंस. बीच में ऊपर नीचे तो होगा. आपको ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि आपका जो फाइनल गोल है उसके एक या दो साल पहले आई वुड सजेस्ट कि अगर वो इक्विटी में है तो आप उसको डेट म्यूचुअल फंड में या कहीं पे ऐसे लगा दीजिए, ताकि तब मार्केट अगर बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो तो आपका गोल इम्पैक्ट ना हो. सो आई ऑलवेज सजेस्ट ऑल द इन्वेस्टर्स कि अपने गोल के एक या दो साल पहले आप उसको कहीं ऐसे पार्क कर दीजिए जहाँ पे वॉलिटिलिटी कम हो, ताकि आपका गोल अचीव हो जाए, चाहे कुछ भी हो. आपका रिस्क प्रोफाइलिंग तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, वेदर यू आर मॉडरेट, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव. और हाँ, एक चीज, हमेशा आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट डालना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको स्काई डाइविंग करना है और आपको करना है स्पेसिफिकली केप टाउन से. हाँ, ये आपका ड्रीम है. अब आपने SIP शुरू कर दी लिक्विड फंड में, क्योंकि आप बहुत कंजर्वेटिव हो, आपको रिस्क नहीं लेना है. आप शायद स्काई डाइविंग कर पाओगे, मैं ना नहीं बोल रही हूं लिक्विड फंड से या डेट फंड से, आपको वो 5 साल के बाद करना है, 10 साल के बाद करना है, लेकिन वो स्काई डाइविंग शायद आपको लोनावला से करनी पड़ेगी. केप टाउन हट जाएगा, क्योंकि आपने गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर नहीं करी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट भूल गए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड. तो आपको ये भी लिखना चाहिए कि मुझे अगर यही जगह से करना है तो मुझे इतना पैसा लगेगा, और उसके लिए मुझे एटलीस्ट 10-12% रिटर्न्स तो मिलने चाहिए, नहीं तो मैं अचीव कर नहीं पाऊंगा. मैं 5-6% रिटर्न में नहीं रह सकता हूँ. तो आप समझ रहे हो, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो क्लैरिटी ऑफ द गोल, दूसरा टेन्योर, तीसरा व्हाट काइंड ऑफ स्कीम यू आर इन्वेस्टिंग सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट दैट परसेंटेज, और चौथा आपको उस पर बस डटे रहना है. यू कैन नॉट इन बिटवीन पुल दैट मनी एंड डू समथिंग एल्स. सो ये तो बहुत सारे ऑलरेडी आप लोगों ने मुझे बता दिया है. किसी का इसमें से कोई, हाँ, फिक्स डिपॉजिट भी है, PPF. मैं यहाँ पे 2 मिनट जरूर लूंगी PPF के लिए. अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपया आप PPF में डाल सकते हो. यहाँ पे कितने लोग हैं जो ओल्ड रेजिम टैक्स का फॉलो करते थे या है? सुपर, काफ़ी लोग हैं, वेरी गुड. सो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दूंगी. अगेन, कुछ सही या गलत नहीं बोल रही हूँ. आई रिस्पेक्ट एंड आई लव PPF. मैंने PPF में खुद ने बहुत पैसा बनाया,
तो मैं मेरा लाइफ स्टोरी यहाँ पे शुरू जरूर बताऊंगी। मैंने मेरा जॉब एज अ टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1991 में शुरू किया था, स्टॉक मार्केट के बाजू वाला ब्रांच, और तभी हर्षद मेहता, सेम ईयर। आप सोचो कि जिंदगी के पहले ही जॉब में क्या उथल पाथल हो गई होगी मेरी, और अब तक मैं डटी रही हूँ यहाँ पे। अब जब मेरी शादी हुई उसके बाद, तो मैं जब टैक्स ब्रैकेट में आई तो मुझे सिर्फ पीपीएफ के बारे में पता था, और सामने जीपीओ का पोस्ट ऑफिस था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर फेमिलियर, तो दो ही चीज पता थी, नीचे जाओ ग्राउंड फ्लोर पे तो पीपीएफ बैंक में, और सामने क्रॉस करो तो पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था। तो जो भी पैसा बचता था, सबसे पहले अप्रैल में बोनस आता था ना, तो मैं खर्चा नहीं करती थी, सीधा पीपीएफ में डाल देती थी। तभी 70,000 रुपीज पर हेड अलाउड था, 70,000 था, फिर उसको 1,00,000 किया गया, और फिर 1,50,000 हुआ। फिर मेरी शादी हुई तो मैंने मेरे हस्बैंड के नाम पे पीपीएफ खोला। देखो, जब एक महिला को आप जागरूक करते हो ना, वो पूरे घर के लिए सोचती है, ये यू हैव टू बिलीव दिस। तो हस्बैंड के नाम पे शुरू किया, पैसा मैं ही देती थी पर नाम उनका मैंने लिया। फिर बच्चे हुए तो तब एचयूएफ भी अलाउड था, आज एचयूएफ बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो तीसरा अकाउंट एचयूएफ खोल दिया। फिर 1,00,000 हुआ, 1,50,000 हुआ, यानी कि अप्रैल महीने में जब भी मुझे बोनस मिलता था ना बैंक से, मैं पहले खर्चे के बारे में नहीं सोचती थी, सीधा जाके 4,50,000 रुपया पीपीएफ में डाल देने का, भाई और कुछ आता ही नहीं है अपने को, फिर जो बचता है उसमें खरो। ये एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़की की माइंडसेट थी, तो थी, और मुझे लगता है इसी वजह से मैं बहुत पैसा बना पाई लाइफ में। दूसरी बात, जब पीपीएफ 3 अकाउंट 15 साल हो गए, फिर 5 साल और रिन्यू किया, फिर और 5 साल रिन्यू किया, 12% से मैंने 7.5% तक का जर्नी देखा हुआ है पीपीएफ का, मैं तो पीपीएफ के ऊपर एक बुक लिख सकती हूँ। आप मुझे कोई गेस करके बता सकता है कि मैंने ये 3 पीपीएफ अकाउंट में से 25 साल में कितना पैसा बनाया होगा, टैक्स फ्री, टैक्स एग्जम्प्टेड, कुछ नहीं किया, ऑटो पायलट पे, अप्रैल महीने में बस डालती रही डालती रही। मैं यहाँ पे पीपीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी खुद की डिसिप्लिन की, स्पेंडिंग हैबिट्स की, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, टैक्स फ्री की, लॉन्ग टर्म की, रिस्पेक्ट फॉर मनी की बात कर रही हूँ। और यही है जो पैसा देता है जिंदगी में, और कुछ नहीं देता है सर। बताइए, कैन एनीबडी गेस? 3 अकाउंट सर, सर इतना भी नहीं बन गया, लेकिन इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़। मेरे लिए तालियां तो बजाओ भाई। देखिए क्या होता है, लेकिन पीपीएफ से मेरी कोई थोड़ी ना शादी थी कि भाई निभानी ही निभानी है। अच्छा, आजकल तो शादी भी कॉम्पैटिबिलिटी इशू नहीं है तो फ्रेंड्स रहते हैं, अच्छी बात है ना। जब ईएलएसएस आया, मैंने मेरा गियर स्विच कर दिया भाई। मैं तो फॉर्मली इक्विटी मार्केट में बिलीव करती हूँ, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, अमृत काल, सुवर्ण काल, मुझे तो ईएलएसएस के अलावा कहीं पे फिर डालना ही। सो पीपीएफ में 40,00,000 रुपया बनता है, ईएलएसएस में शायद मैं 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाऊँ अगर 15 साल तक रुकू तो। सो प्लीज, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग इज नथिंग बट कल्टिवेटिंग ऑल दीज नेचर एंड हैबिट्स इन योर लाइफ। हमारे जैसे ज्ञान तो बहुत दे के जाएंगे आपको, फाइनली आपको डिसीजन लेना है, यू हैव टू मेक मनी ना। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आपको करना है ये सारी चीजें। सो बी स्ट्रॉन्ग, बी फर्म इन योर लाइफ, बी वेरी क्लियर, दैट्स द ओनली थिंग्स। यस सर, या ओके। सो एनपीएस यू कैन डू, मेरा एसेट म्यूचुअल फंड को ये एक सजेशन है, एनपीएस इज मिसिंग, सो एनपीएस इज ऑल्सो वेरी गुड। NPS आप एडिशनल 50,000 रुपीज कर सकते हो सर इन टैक्स प्लानिंग ऑल्सो। सो अगर आप पेंशन की बात करो ना, मैं क्विकली बता देती हूँ, 5 प्रकार के पेंशन है हमारे देश में। एक तो सर ने बहुत अच्छी तरह से बोला NPS, दूसरा सर ने बोला नहीं है पर मैं बोल रही हूँ, पोस्ट ऑफिस में आप निवेश करते हो ना, किसी ने तो बोला था मैं पोस्ट ऑफिस में निवेश करता हूँ। हाँ, सो सीनियर सिटीजनशिप सेविंग स्कीम भी एक पेंशन स्कीम है, ओके, वहां पे भी आप डाल सकते हो। एक अटल पेंशन योजना भी है। देखो, गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं बोलता है कि मैं जो स्कीम लॉन्च करती हूँ वो सिर्फ गरीबों के लिए, वो सबके लिए, लेकिन हमें गरीबों के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनको तो करवाए हम। सो सुकन्या समृद्धि स्कीम इज एग्जैक्टली लाइक पीपीएफ एंड अटल पेंशन योजना इज पेंशन स्कीम।
फिर म्यूचुअल फंड में SWP ऑप्शन आप कर सकते हो. सबको मालूम है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज द बेस्ट वे ऑफ हैविंग पेंशन इन आवर लाइफ ऑन ऑटो पायलट मोड. और एक पेंशन है, वो है मेरे ख्याल से, मैंने पोस्ट ऑफिस दिया, अटल पेंशन दिया, NPS दिया, हाँ, तो काफ़ी सारे पेंशन. हाँ, ट्रेडिशनल प्लान्स जो है आप 10 साल भरो और फिर आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिले. सो काफ़ी सारे पेंशन है, पर NPS जो सर बोल रहे हैं वो टैक्स प्लानिंग में भी है. आपको टैक्स प्लानिंग में ये कर सकते हो एडिशनल 50,000 अबव PPF. ओके ओके, सो कैन आई मूव अहेड या आपको किसी को कुछ इसमें रियल एस्टेट के बारे में कुछ जानना है? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. हाँ ओके, सो मैंने आपको ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन वगैरह, 100 रुपया आज का, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाता है 95, और 10th ईयर इट विल बिकम 40 रुपीज परचेजिंग पावर. सो प्लीज ट्राई टू गेट रियल रेट ऑफ रिटर्न. जब SIP करो तब XIRR देखना, जब लमसम इन्वेस्ट करो तब CAGR देखना, जब इन्फ्लेशन बीटिंग देख रहे हो तो रियल रेट ऑफ रिटर्न देखना. एब्सोल्यूट रिटर्न, टोटल रिटर्न, फिक्स्ड रिटर्न, प्लीज ये नॉलेज के लिए अच्छा है लेकिन शायद आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए सही ना हो. अगर आप लोगों को सारे रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करना है, किसके लिए क्या सही है ये समझना है, तो मुझे और एक बार बुलाइए, 2 घंटे का सेशन में ले सकती हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन से स्कीम में निवेश करूँ जिसमें मुझे कौन सा रिटर्न देखना चाहिए, और वो ही सही जजमेंट होगा आपके लिए कि क्या आपने सही मायने में सही रिटर्न्स अर्न किए हैं कि नहीं किए हैं. ऑल राइट, अभी ये तो बहुत ही प्यारी स्लाइड है. अब इसमें मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारा क्विकली बोल दूंगी. मुझे पता है आप सबको पता ही है म्यूचुअल फंड सही है. म्यूचुअल फंड कैंपेन बहुत आजकल एग्रेसिवली चल रहा है. 61 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई भाई. मैं क्या और ये बढ़ेगी, ये 100 करोड़ हो जाएगी अगर हम पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें. आपको नहीं पसंद आया मत करो, लेकिन वो 100 करोड़ तो हो जानी है. सो अभी आपके ऊपर है कि आपको इसका फायदा उठाना है कि नहीं उठाना है. सो म्यूचुअल फंड जो है वो आप अपना पैसा देते हो, इट्स अ पूल ऑफ इन्वेस्टर, कंप्लायंस ड्रिवन, हाईली ट्रांसपेरेंट. एज लो एज 500 रुपीज, अभी तो अपनी मैडम सेबी की जो हेड है वो बोल रही है 250 रुपीज भी कर देगी, उससे भी कम कर देगी. सो आप बेझिझक, एब्सोल्युटली डरे बगैर आप इसमें कोई भी अमाउंट निवेश कर सकते हो बाय वे ऑफ लमसम SIP, STP और जब रिटायर होते हैं तब SWP, यानी कि विड्रॉ कर सकते हो. अच्छा, इसमें एक चीज आपने देखी, टॉपअप. मैं टॉपअप के लिए जरूर कुछ बताना चाहूंगी. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज टॉपअप? यहां पे अनफॉर्चुनेटली ये स्लाइड नहीं है, पर मेरे मोबाइल पे है तो मैं जरूर बताऊंगी आपको. SIP तो पता है ना आप लोगों को. अच्छा, बिफोर SIP, STP, SWP फीचर्स, मैं आपको थोड़ा सा एक स्कीम्स का भी ढांचा बता देती हूँ म्यूचुअल फंड में. लिक्विड फंड मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट, फॉर द इमरजेंसी फंड, वेरी वेरी सेफ, नो, एज गुड एज नो रिस्क, नो एंट्री लोड, नो एग्जिट लोड. फिर मैंने आपको डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड फंड भी बताया था कहीं ना कहीं. सो डेट में 0 इक्विटी होता है और यूजुअली 1 ईयर to 3 ईयर के लिए हम डेट सजेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए. फिर हम हाइब्रिड पे आते हैं. हाइब्रिड में क्या होता है, मिक्सचर होता है जिसमें डेट, इक्विटी, आजकल मल्टी एसेट फंड भी बहुत पॉपुलर है जिसमें मल्टीपल एसेट्स होते हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट, कभी कभी इंटरनेशनल स्टॉक्स, फ्लेक्सी कैप फंड में भी होते हैं पर यहाँ पे भी होते हैं. सो ये हो गए हाइब्रिड फंड. और फाइनली इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम जो हम कंटिन्यूअसली हम आपको समझा रहे हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म. अब यहाँ पे मैं SIP की बात करूंगी. ड्रॉप बाय ड्रॉप यू कैन क्रिएट ओशन, बूंद बूंद से महासागर बनाना है तो वो SIP है. अगर आपके पास आज 1 करोड़ नहीं है पर आपको बनाना है तो आपको काफ़ी मदद, काफ़ी हेल्प लगेगी ऑफ कंपाउंडिंग एंड लॉन्ग टर्म. तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करके SIP शुरू करके उसको आगे जाके बढ़ा सकते हो. STP किसको बोलते हैं? सपोज मुझे बोनस मिला पर मार्केट्स मुझे बहुत ऊपर लग रहे हैं आज और मुझे एक साथ नहीं डालना है, तो मैं उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में पार्क कर देती हूँ और फिर हर महीने
थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रांसफर करती हूँ और उसी को हम क्या बोलते हैं, एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यहाँ पे मुझे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट मिलता है और फाइनली जब मैं रिटायर होती हूँ तब मुझे पैसा वापस चाहिए ना, पैसा लगेगा मुझे, तो मुझे इसके लिए विड्रॉल प्लान जो है वो लगेगा, यानी कि आई कैन टेक बैक माई मनी। सो दैट इज वॉट इज SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब यहाँ पे एक टॉपअप का, थैंक यू, यहाँ पे एक टॉपअप का देखिए, यहाँ पे एक टॉपअप का रखा है, कोई मुझे बता सकता है टॉपअप क्या है? जी 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 जी, सुपर। सो देखिए, मैंने है ना टाटा ग्रुप में तकरीबन 10 साल काम किया, जिसमें मुझे दो चीज़ सिखाई और वो मेरे जहन में आ गई, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। टाटा ग्रुप है ना, वो प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच में बहुत बिलीव करता है कि कोई भी एक सिंगल बंदा कल रहे ना रहे, कंपनी अटकनी नहीं चाहिए। सो प्रोसेस, और दूसरा एथिक्स, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिविंग बैक। तो ये दो चीज़ जो मैं है ना वो मैं बहुत सीख गई हूँ, एंड दैट्स वाई आई फील आई एम वॉट एवर आई एम टूडे। यहाँ पे मैं प्रोसेस की बात करूँगी। टॉप अप है ना एक प्रोसेस होता है, आप है ना अपनी ज़िंदगी में प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच डाल दोगे ना तो बहुत पैसा बनता है। सो यहाँ पे अगर 5,000 रुपये का आप SIP हर महीने करते हो, 12% रिटर्न छूटता है आपको। यहाँ पे वो स्लाइड नहीं है बट मैं आपको टॉप अप समझा रही हूँ। तो अगर आप 30 साल के लिए करते हो तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 18 लाख है, ओके, सिंपल SIP में। लेकिन और आपको मैच्योरिटी 30 साल के बाद 2.25 करोड़ मिल रही है बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, 12% के हिसाब से CAGR मैंने काउंट किया है। लेकिन अगर ये ही आप टॉप अप करते हो 10% एवरी ईयर, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट 18 लाख है ना वो सीधा 98 लाख हो जाता है, क्योंकि आपने अपने लाइफ को ऑटो पायलट पर डाल दिया, आपने खर्चा नहीं किया, आपने 10% हर साल उसमें ऑटोमेटिकली डाल दिया। तो 98 लाख प्रिंसिपल अमाउंट से आप पता है कितने पे पहुंच गए, 4.5 करोड़ पे पहुंच गए, कहां 2.25 करोड़ और कहां 4.5 करोड़। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ टॉपिंग अप 10% इन एनीथिंग यू डू, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी करो, चाहे वो आप कोई भी, अरे आप हेल्थ में करो, आप हर साल आप अगर 10% कुछ अच्छा करोगे ना हेल्दी, तो आप हेल्थ आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। सो ये मैं आपको समझाना चाहती थी टॉप अप के लिए, और मैंने ये सारी चीज़ें आपको गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग तो सिखा दी है। सो आई वुड लाइक टू स्किप अदर स्लाइड्स, पर अगर आपको कोई भी, हाँ ये एक स्लाइड अच्छी है कि अगर आप बीच में खर्चा कर देते हो, देखो प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच और खर्चा अगर हम कंट्रोल में नहीं करेंगे ना, सी वी आर वेरी टेम्प्टेड एट टाइम्स ना, ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कितना टेम्प्टिंग है। आज मैं पहले किराना शॉप से जब घर खर्चा तो 5,000 में पूरे महीने का ग्रॉसरी आ जाता था, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, एक चीज़ मेरी ख़त्म नहीं होती थी। लेकिन अब जब मैं मॉल्स में जाती हूँ, फूड मॉल्स, तो इतने सारे सॉसेस ये वो सब डाल देती हूँ, एंड देन फाइनली वी डोंट यूज़ इट और इट्स नॉट हेल्दी, आई मीन यू अंडरस्टैंड नो। तो मैं इतना ही आप, मैं ये कहीं नहीं बोल रही हूँ, सेंसिबल बाइंग, सेंसिबल स्पेंडिंग विल लीड टू वेल्थ क्रिएशन। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने फोन, वेकेशन और एमरजेंसी, ये तीनों जब किया तो आपका 95 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपका 95 लाख कम हो गया। सो प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू बी वेरी वेरी रीजनेबल वाइल स्पेंडिंग योर मनी। और मनी मैनेजमेंट 4 चीज़ों से होती है, बहुत हार्डवर्क से कमाना है, देर इज नो सेकेंड थाट, बहुत ही सेंसिबली स्पेंड करना है, रिस्पेक्ट फॉर मनी, बहुत ही अच्छी तरह से उसको ग्रो करना है, सिर्फ सेव नहीं करना है, ग्रो करना है, और लास्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी अच्छी तरह से करना है, ताकि हमारे जाने के बाद वो पैसों को बहुत रिस्पेक्ट मिले। एंड लास्ट 5 मिनट्स एंड देन मे बी वी कैन हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, इज दैट ओके? सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई दी है, पर ये थोड़े से चार्ट है जो रिटायरमेंट प्लानिंग इंडिया में क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो बता रही है। देखिए ग्लोबली आप कहीं पे भी देखोगे ना, सब जगह इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, इंडिया में रिसेशन नहीं है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखोगे ना, सोशल सिक्योरिटी और सोशल सर्विसेज जो है
वो दुनिया में काफ़ी कंट्रीज में बहुत अच्छी है कंपेयर टू इंडिया, दैट विल हैव टू बिलीव. सो हमें हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो हमें करना ही पड़ेगा अच्छी तरह से. और पेंशन वगैरह भी आज की तारीख में गवर्नमेंट वगैरह काफ़ी हद तक बहुत कम लोगों को दे पा रही है. अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय हो तो शायद ना भी मिले आपको. सो देख लीजिए कि आपको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से करना है. और ये सारे गोल्स है, ये रिसर्च किया हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों को अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जल्दी रिटायर होना होता है या पैशन चेस करने के लिए. सो इसमें गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गोल विच यू ऑल शुड हैव इन योर माइंड. और मैं थोड़ा सा, हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आपको पता ही है, लोग ज़्यादा जी रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, हेल्थ का ध्यान रखना है आपको. सो मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए दो चार चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है. एसेट एलोकेशन, विड्रॉल, एक्यूमुलेशन एंड सेग्रीगेशन, मैंने सब आपको हमारे प्रीवियस डिस्कशन में बहुत ही बेहतर वे से सिखा दिया है, राइट. सो ये एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आपको 10 साल के लिए, 13 साल के लिए, 10 साल के लिए अगर आपको नो कंट्रीब्यूशन एंड फुल विड्रॉल चाहिए तो कितने पैसे, कैसे, कौन से वे से SIP के साथ आप जुड़ के आप इसको कैसे अचीव कर सकते हो, SWP वे से ले सकते हो. देखिए, मैंने मैप योर गोल्स विथ योर इन्वेस्टमेंट्स भी बोल दिया है. सो अगर आपका गोल 1 day to 1 year हो तो लिक्विड म्यूचुअल फंड, 1 year to 3 year हो तो डेट म्यूचुअल फंड, 3 to 6 years हो तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, और एनीथिंग अबव देन दैट यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम. मैंने आपको एसेट एलोकेशन के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दिया है. देखिए, हमारे लाइफ में एक्यूमुलेशन स्टेज होता है और फिर होता है कि जब हम उस पैसों का इस्तेमाल करें, तो ये दोनों चीज़ आपको अच्छी तरह से मैनेज करनी पड़ेगी फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग. कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. और आप बिल्कुल ही फिक्र मत करिए अगर आप ऑलरेडी 55-60 में है, तो मैं आपको सवाल जवाब के सेशन के दौरान काफ़ी ऐसी चीज़ें बता पाऊंगी जो आप अभी भी कर सकते हो और अच्छी तरह से कर सकते हो, और आपका रिटायरमेंट प्लानिंग सही वे से हम आपको डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं. आप बिल्कुल ये मत समझना कि आप लेट हो गए हो, लेकिन जो भी आज हमने सीखा है वो मिड लाइफ या यंगर जनरेशन को आप ज़रूर पास भी कर सकते हो ताकि वो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी तरह से कर पाए. मैंने आपको विड्रॉल फैसिलिटी, SWP, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी है. लेगेसी के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है. देखिए क्या होता है ना, हर चीज़ में कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, परसेंटेज समझना पड़ेगा, CAGR रिटर्न्स क्या होता है वो समझ के आपको आगे बढ़ना है. सो मैंने आपको पता है एक स्टेटमेंट दिया था कि हर कोई गोल में आपका एक फाइनेंशियल अमाउंट होना चाहिए, और इसमें बैकवर्ड कैलकुलेशन कैसे करते हैं पता है हम, आज कौन से स्कीम में कितना निवेश करेंगे. मैं आपको एक पूरा इसका उदाहरण देके समझा देती हूँ. सपोज आपको रिटायरमेंट प्लानिंग पे कितना पैसा लगेगा, कोई मुझे बता सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम कितना पैसा लगेगा? 2.5 crore. सर आपने 2.5 बोला, इन्होंने 4 crore. देखो यही है, मुझे यही चाहिए था, और वो बोलेंगे मुझे 10 crore चाहिए. सो देर इज नो फिक्स फिगर फॉर एनीबॉडी, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से पैसा लगेगा. तो मैं एक सिंपल वे से आपको ये समझाती हूँ, ये चार्ट वगैरह तो बहुत मैं बाद में भी समझा सकती हूँ. देखिए, आज का अगर आपका खर्चा 25,000 रुपया है, और अगर आप रिटायर 10 साल के बाद हो रहे हो, सो यही 25,000 का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आपको शायद 40,000 रुपया लगेगा. एक गेस, मैं, मुझे एक्चुअल नहीं पता है पर मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, इन्फ्लेशन एडजस्टेड 40,000 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि ये पर मंथ है, मल्टीप्लाइड बाई 25, क्योंकि आप 25 साल जियोगे, वो अमाउंट आएगा सपोज 2 crore.
और आपका पीएफ, ग्रेच्युटी, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस वगैरह मिला के आपके पास 1,50,00,000 है. वॉट इज द गैप? 50 लैक्स. वो 50 लैक्स के लिए आज ये 10 साल का जो आपके पास टाइम है उसमें आप क्या करोगे, कौन सी स्कीम में निवेश करोगे, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर पाओगे, कंपाउंडिंग से कितना मिलेगा, टॉप अप करोगे तो क्या होगा, दैट इज वेयर ऑल दीज नॉलेज विल हेल्प यू. सो यू हैव टू डू योर बैकवर्ड कैलकुलेशन, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, फिट पर्टिकुलर एसेट एलोकेशन, टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड स्टिक टू इट. And above all, take some experts' advice. Don't do everything on your own. मैं योगा भी ऑनलाइन यूट्यूब पे डालूंगी, 50 वीडियो मिलते हैं. It's not the way, right? वो एक दो बार ठीक है. You need help. You need proper आसन सीखना है. आपको लगेगा expert advice, है ना? Super. So I think काफी सारी चीजें हमने आज सीखी है. जस्ट टू एंड विथ फ्यू थिंग्स कि अगर आपने नहीं भी किया हो ना ये सारी चीज़ें, डोंट रिग्रेट, क्योंकि लाइफ में रिग्रेट जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है. एक बस गई, दूसरी आएगी, एक ट्रेन छूट गई, दूसरे पकड़ के पहुँचेंगे, थोड़ा लेट होगा और क्या है. सो प्लीज़ डोंट रिग्रेट, डोंट टेक स्ट्रेस. मैं रह गया, मैंने मार्केट में पैसा नहीं बनाया, लोगों ने बना लिया. Don't get into that vicious circle. मैंने स्टॉक बेच दिया, उसके बाद भाव बढ़ गया. Don't get into it. So don't be greedy, don't be fearful. Enjoy today's moment. आज बारिश है, बारिश को enjoy करो. देखो ये बोलना बहुत easy है, आपको लगेगा मैं बहुत philosophical बात करी, पर मेरे पे भी यही गुजरता है day in day out. तो ये मेरा ही learning है, मेरे ही experiences है जो मैं कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. बट एट द सेम टाइम हम फॉरेनर्स के जैसे पे टू पे, वीकेंड टू वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे सब उड़ा दो, हम लोगों का अभी भी वो बेसिक नेचर नहीं है. सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट. आगे देखा जाएगा, हमारे बच्चों को जो करना है वो करेंगे, हमें थोड़ा सा प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना है और ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड वंस अगेन मेरे ही एसेट म्यूचुअल फंड का. और आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपके लिए भी तालियां बजाएंगे. नीरज, राइट, नीरज जी, थैंक यू सो मच. संडे ऑफ होने के बावजूद भी काम पे लगे हैं, बारिश के मौसम में, तो बहुत अच्छी बात है. कंप्लीटली डेडिकेटेड टीम मेंबर्स विच मेरा एसेट म्यूचुअल फंड हैज, सो थैंक यू ऑल सो मच. आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. या वी हैव क्वेश्चन. कैन आई मूव नाउ रिकॉर्डिंग? Yeah, right. Ma'am, you briefly mentioned about passive income, right? So, like, can you just explain us, you know, like what you meant? Sure. Passive income in the retirement age. Thank you. देखिए, passive income और multiple source of income में बहुत फर्क है. And people most of the time misunderstand multiple source of income with passive income. So, for example, एक teacher है जो school में job कर रही है. अब स्कूल में जॉब में उसको सैलरी मिलती है, वो उनकी एक्टिव इनकम है जिसके लिए वो 6-8 घंटे की ड्यूटी करती है. फिर घर पे आके वो ट्यूशन करती है, ट्यूशन की इनकम जो है वो उनकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी, क्योंकि उसके लिए वो और हार्डवर्क कर रही है ना, अपना टाइम दे रही है, 2 घंटा और ट्यूशन पढ़ा रही है. लेकिन वो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं मेरी जो सैलरी है उससे घर चलाऊंगी, बच्चों का ट्यूशन, बच्चों का फीस भरूंगी, और मेरी जो ट्यूशन इनकम है उससे मैं SIP या निवेश शुरू करूंगी. तो उसने जो ट्यूशन इनकम है उसको निवेश करके 8-10 साल के बाद जो रिटर्न्स उनको मिल रहे हैं, उन्होंने पैसिव इनकम जनरेट करी है. वो उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही है, ऑटो पायलट मोड पर उनको रिटर्न्स आ रहे हैं. तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से वो शिफ्ट कर गई एक्टिव से पैसिव पे. सो उनको पता है कि मेरी उम्र बढ़ने वाली है दिन ब दिन, मैं इतनी एक्टिव नहीं रह पाऊंगी, शायद मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी ना रह पाए.
तो पैसिव इनकम जो है ना वो आपको आती रहेगी जब तक आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो आपको रिजल्ट देता रहेगा. सो मेरे हिसाब से पैसिव इनकम इज नथिंग बट रिटर्न्स ऑन योर वेरियस इन्वेस्टमेंट्स. मैं ये सिर्फ म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट के लिए नहीं बोल रही हूँ. अगर आपने एक दूसरा ऑफिस खरीदा है, घर खरीदा है और आप उसमें रेंटल इनकम ले रहे हो, तो वो रेंटल इनकम भी इन अ वे आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो गया. सो पैसिव, एक्टिव और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में बहुत अंतर है, पर तीनों मिले हुए हैं, तो आपको तीनों को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके आगे बढ़ना है. एनी क्वेश्चंस? I was saying कि my salary is getting increased by 5 or 6-7%. Okay. So how to adjust that then? Let's say कि I am investing 20,000. So next year if I have to invest 2,000 more, again 2,000 or 2,200 more, again. Sir, 10% नहीं, आप 2% top up कर दीजिएगा. Okay. One more question. Yes, sir. You would like to answer? Salary is increasing by 5% because of the gross salary amount. Oh yes, yes, yes. That's a fantastic clap for him. One more thing. Hazar Java. Passive income, you said. See, I have, let's say, I have one additional flat which is giving me 25,000 rent. 22,000, 25,000. Say, so next 15 years I am getting retired. So can I say that that 25,000 rent will flat will be my for retirement benefit because it will be also increased? हाँ, देखिए, don't quote me anywhere and my views can be completely wrong. आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो सुनेंगे, थोड़ा दुख ही तो नहीं होंगे ना. देखिए क्या होता है ना, real estate is a fixed asset class, okay? क्योंकि आपने real estate घर खरीदा है ना, तो fixed asset class है. मैं फर्म बिलीवर हूँ कि रियल एस्टेट भी हम फाइनेंशियल एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं. इसके दो रीजंस हैं सर, यू प्लीज़ ऐड इफ आई एम एनीवेयर फॉरगेटिंग एनीथिंग. देखिए घर बहुत अच्छी बात है, दुकान, गाला, लैंड, जो भी आपको ठीक लगता है, पर उसमें क्या है ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन जब आप XIRR करोगे ना, मैंने पता है एक बोला था बीच में कि आप रिटर्न्स कैलकुलेट करना सीख जाओ, आपके डिसीजन इतने बढ़िया होंगे, आप प्लीज़ मुझे वापस बुलाओ, मैं आपको 5 प्रकार के रिटर्न्स कैलकुलेट करना सिखाना चाहती हूँ ताकि आप कोई डिसीजन गलत ना लो लाइफ में. कोई आपको 12% बेच के जाएगा ना, लेकिन वो फिक्स्ड होगा. 12% कंपाउंडिंग है तो आप ऐसे खड़े हो जाओ, बताइए भाई क्या है. सो प्लीज़ आप जो घर की बात करो, इट कैन बी योर रिटायरमेंट प्लानिंग. देखिए मेरा भाई है ना, वो कनाडा में है. कनाडा में क्या सिस्टम है वो मैं आपको बताती हूँ. सॉरी, लिटिल बिट मैं लंबा जवाब दे रही हूँ क्योंकि ये सबके लिए भले के लिए है. मेरा भाई है ना, वो कनाडा में है, उसने बहुत बड़ा घर लिया है, घर में स्विमिंग पूल है, ये है वो है, एकदम सुपर घर है, बैंकर है. लेकिन उसने क्यों लिया है पता है? वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है, उसको रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट बहुत सारा, मेडिकल फ्री है, सब कुछ फ्री है. तो उसने क्या सोचा कि जब वो रिटायर होगा ना, 90% ऑफ द कैनेडियंस थिंक लाइक दिस कि बड़ा घर जो है उसको बेच देंगे, बच्चे तो चले जाते हैं, कोई साथ में रहता नहीं है वहाँ पे, फिर वो छोटे से कॉन्डोनियम अपार्टमेंट या ऐसा कुछ बोलते हैं, वो 1 bedroom या 2 bedroom, वहाँ पे मेड्स होती नहीं है तो वो घर साफ सफाई का प्रॉब्लम होता है. तो वो लोग, वो उनका रिटायरमेंट प्लानिंग है. यू अंडरस्टैंड दैट हाउस सेलिंग इज द बिगेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि वहाँ पे और कोई रिटर्न कोई एसेट क्लास में ज़्यादा है. ये अलग बात है कि मैं उसकी बहन यहाँ पे हूँ तो वो सारा इधर एज एन इंडियन ओरिजिन भेजता है उसको, मेरे जैसी मीन्स पैसे वो यहाँ बना रहा है, दैट्स अ सेपरेट इश्यू. सो दिस इज व्हाट इज हिज रिटायरमेंट प्लानिंग एंड इट इज एप्लीकेबल एंड सूटेबल देयर आई थिंक. पर जब मैं इंडिया की बात करूँ ना, जब मुझे लोग बोलते हैं कि इज माई हाउस माई रिटायरमेंट प्लानिंग, तो मैं थोड़ी सी दुखी हो जाती हूँ क्योंकि घर में पता नहीं है, जब आप XIRR में डालोगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन के बाद आपको 11-12% से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है मिलेगा. आई कैन बी रॉन्ग, आई एम नॉट अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट, सो प्लीज़ फॉरगिव मी इफ आई एम यू नो ट्राइंग टू से समथिंग विच इज़ नॉट सो गुड. पर 12% रिटर्न से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है 15-20-25 साल में रियल एस्टेट में. Secondly, yes, correct. That can disappoint you over long.
हाँ तो देखिए, नहीं वो शायद सारा तो नहीं, वो बहुत समझदार लग रहे हैं, उनका काफ़ी और एसेट क्लासेस होंगे तो ये एक चीज़ होगी। मीन्स मैं आपको क्या समझा रही हूँ ना, XIRR समझ लीजिएगा। अगर आज आपका घर 1 करोड़ का है, आप एक जजमेंटल कॉल लेके सोचे कि वो शायद 3 करोड़ का होगा जब मैं रिटायर होगा, आप उसको XIRR कैलकुलेशन में डालिए, 12-13% छुटेगा। सर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में, हाइब्रिड फंड में, कोई भी मल्टी एसेट फंड उठा लीजिए, फ्लेक्सी कैप उठा लीजिए, 101% आपको, मुझे तो लग रहा है कि मिलेगा 12-14-15% रिटर्न। और लिक्विड आपको कल ब्रेक करना है, आप कल ब्रेक करके ले लो पैसा यार, नो इमोशनल अटैचमेंट। अगर घर आप बेच नहीं पाए तो, जब आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी तो, अच्छा आप रेंट पे नहीं दे पाए तो 6 महीना आपका तो नुकसान हो गया। साल भर का हो गया अपना उसका 3 लाख, तो 3% आपका रेंटल यील्ड हो गया, तो एक आपका इनकम हो गया रेंटल यील्ड जो 3%। दूसरा आप देखते हो कि प्रॉपर्टी कितना अप्रिशिएट हो रहा है। सो अज्यूमिंग की जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जस्ट टेकिंग दिस रियल एस्टेट मार्केट हाउ इट इज पैनिंग आउट इन दिस सिटी राइट नाउ, तो नए प्रोजेक्ट्स से आप देखेंगे वो सारे ऑन द एक्सपेंसिव साइड रहते हैं, बट एज सून एज योर प्रॉपर्टी गेट सोल्ड तो उसका भी एक डिप्रिसिएशन कॉस्ट लगता है, तो वो उतना अप्रिशिएट नहीं होता जितना वही सेम एरिया में नया प्रॉपर्टी का प्राइस है। सो आप ये डेटा एक बार चेक करिए कि 2000, आप हम लोग अभी हमेशा बात करते हैं 2007-8 के बाद एक प्रॉपर्टी बूम आया था जहाँ पे प्रोबेबली 20-25 लाख का हाउस जो पहले 1 BHK मिलता था, आज शायद वो 1.5 करोड़ का भी हो गया रहेगा, बट उस बूम के बाद से लेके अब तक कितना प्राइस में अप्रिसिएशन हुआ है। मैं एक आपके साथ डेटा स्टैटिस्टिक शेयर करता हूँ, कोविड से लेके अब तक 2019 से लेके 2024, दिस इज यू कैन वेरीफाई अपना हाउसिंग बोर्ड के वेबसाइट पे, मुंबई में एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस, आई एम कंसिडरिंग दहिसर टू चर्चगेट, has gone up from 100 rupees to 124 in last 4 years. तो ये आपका प्रॉपर्टी प्राइस का अपरिज है, एवरेज है, अभी इसमें शायद यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, दहिसर बोरीवली साइड थोड़ा कम होगा, शायद टाउन साइड थोड़ा और ज़्यादा होगा। सो योर एवरेज रिटर्न ऑन एन एवरेज, मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूँ तो 6% बन रहा है 4 साल में, या 5 साल में देखूँ तो 5% बन रहा है, वही सर आपने एक FD में डाल दिया रहता तो आपको उससे ज़्यादा बन जाता। Oh really? So that's an insight for me. And similar way. बहुत ही मुश्किल है। और सेकेंडली प्रॉपर्टी को जब हम रिटायरमेंट में यूज करते हैं ना तो लॉन्ग टर्म होता है, प्रॉपर्टी इज अ साइक्लिकल प्रोडक्ट, इट्स अ सेक्टर, रियल एस्टेट इज अ सेक्टर, ऑटोमोबाइल इज अ सेक्टर, पावर इज अ सेक्टर, और सेक्टर कभी भी एक साथ में नहीं चलता, सेक्टर को हमेशा एक साइकिल होता है। आपने देखा होगा 6-7 साल तक कोई ग्रोथ ही नहीं, 10 साल तक कोई ग्रोथ ही नहीं, अचानक 3 साल रियल एस्टेट बढ़ गया, गोल्ड अभी चलने का चालू हो गया, बीच में 4 साल गोल्ड 70 से बैठा था। सेक्टर है, सेक्टर है ना, उसमें बहुत ही रिस्क होता है, अगर आपने सेक्टर में बैट कर लिया तो आपने अपने सेविंग्स के साथ में प्ले कर लिया इनडायरेक्टली, यू ऑलवेज शुड बी डाइवर्सिफाइड। बहुत सुपर्ब, आई थिंक दे आर सुपर्ब। एक चीज यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू ऐड कि फॉर एग्जांपल आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट है, स्टॉक मार्केट, MF, इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, इंश्योरेंस इज रेगुलेटेड बाय RRDA, दिस इज MF, एंड स्टॉक्स इज रेगुलेटेड बाय SEBI एंड AMFI है। प्रॉपर्टी के आप जब चीज़ देखते हो तो इट्स नॉट एक्चुअली वेरी रेगुलेटेड, लाइक इट डिफर्स फ्रॉम प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आई ओन दिस लैंड, दिस पार्सल ऑफ रूम, फॉर एग्जाम्पल इसका फेयर वैल्यू आ रहा है 2 करोड़ रुपीज़, जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल। नाउ
in a scenario whenever we are buying property, if I quote 2.5 या 3 crores quote कर दूँ, there is no one who can stop me. अब markets में जाते हो, चाहे bond हो, FD हो या जो भी है, आपको सामने सामने दिखता है कि जो fair price है उसी पे trade हो रहा है. आपको premium pay करने का जरूरत है. मैं बोल दूँगा, अरे there is this garden outside, there is this airflow, वास्तु के हिसाब से ठीक है, आई एम सेलिंग एट 3 crores, बाजू में भले वो 2 crore में बिक रहा है फेयर वैल्यू पे, बट आई कैन कोट वॉट एवर आई वॉन्ट एंड नो बडी कैन फोर्स मी टू सेल. Whereas, wherein in regulated markets, if you'll see, it's the other way now. आपका जो fair price है वही आपको pay करना है, आपको जो fair price है उसी पे sell करना है. Transparency. Transparency is way more. हालांकि अभी काफी real estate में भी आ रहा है transparency. एक मैं भी एक add करना चाहूँगा. देखिए आपके जवाब के लिए हम कितने एक गूगल पे चेक करना, गोल्ड का प्राइस 1950 में क्या है, अभी बैठे बैठे चेक कर लो अगर कोई चेक करता है तो. ऑलमोस्ट 99 रुपीज 10 ग्राम का. कितना? 99 रुपीज 10 ग्राम का. आज गोल्ड का प्राइस 74,000 रुपीज 10 ग्राम का है. वाओ वाओ तो बोलो भाई. लेकिन अभी परसेंटेज पे आएंगे. XIRR चेक नहीं किया मतलब हम वी आर मिसगाइडेड. कहने का मतलब क्या है, कभी कभी हम लोग करे हुए क्लाइंट मिलते हैं, अरे मरा तो 70,000 रुपया मतलब 1/7 गुजराती में 17,000 रुपया मेरा, 1.5 लाख रुपया बन गया. सबके सामने XIRR निकाल लो. देखो किसी से कैरिड अवे मत हो जाओ, प्रॉपरली चेक करो वो क्या है. मैंने रिपीटेडली बोला कि रिटर्न्स कैलकुलेट करना सीखिए, तभी जाके आप राइट डिसीजंस ले पाओगे. एक चीज मैं ऐड करूंगी जस्ट टू कंटिन्यू दैट क्वेश्चन. वन सेकेंड सर, वन मिनट. यू शुड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. रियल एस्टेट अगर आप एक बार नहीं भी खरीदोगे ना चलेगा, पर फ्यूचर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, क्योंकि देश का काफ़ी सारा फोकस रहेगा उसमें. और दूसरी एक लास्ट चीज़, यहाँ पे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स है पर फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप कोई भी स्टॉक भी खरीदते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने TCS का स्टॉक खरीदा, उसमें भी TCS की जितनी भी ऑफिसेज जो उन्होंने रियल एस्टेट खुद खरीदी हुई है, वो स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट हो रहा है उनके नेटवर्थ में, उनके एसेट्स में, उनके कहीं ना कहीं प्राइस में रियल एस्टेट रिफ्लेक्ट होता है. सो यू डोंट थिंक कि आपने आईटी कंपनी में निवेश किया है, आपने टू अ सर्टेन लेवल रियल एस्टेट में भी निवेश किया है. सो डोंट फॉरगेट दिस प्लीज. सर एज यू सेड, व्हेन वी सेल द प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल 1 crore, व्हेन वी सेल देयर इज अ 20% something capital gain is applicable. Most of the people not aware. So can you throw some light on that? Number one. Number two, how to do the valuation? Suppose I am the buyer, you are the seller. You can say, as you said, it is not organized sector. When you sell the property, you said, I am getting 3 lakh, 4 crore, whatever it is. But my capacity is only 2 crores. How to do the valuation of this property? On those 2 points, we can elaborate something. Thank you. Very good question. Now we'll have to answer. अच्छा टाइम कितना है हमारे पास? है ना, है 5 more minutes. सो आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन और रादर द सेकेंड वन, सेकेंड वन इज़ वेरी सब्जेक्टिव. एज सर मेंशन्ड, रेडी रेकनर के हिसाब से दैट इज़ द ओनली पैरामीटर विच इज़ अवेलेबल. बट आई बिलीव 95% ऑफ द प्रॉपर्टीज वो रेडी रेकनर के पौधों से दिखाने के लिए होता है. इट्स मोर देन दैट वॉट एवर इट इज़. So frankly speaking, valuing this particular thing is very different because every size is different, every location is different, every place has its own USP, every place has its own advantage, disadvantage. तो एक comparison नहीं हो पाता है. जब भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोग कंपनी टू कंपनी कंपेयर करते तो हम लोग सीधा देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, क्या डिविडेंड है, एक्स वाई जेड. सो आई कैन कंपनी, मैं ये कंपेयर कर सकता हूँ कि मैंने इसमें 1,000 लगाया तो मुझे 10 रुपया मिल रहा है, इसमें 15 रुपया मिल रहा है, रिस्क क्या है, एक्स वाई जेड. बट प्रॉपर्टी में इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव, देर इज नो डेफिनेटिव आंसर टू इट. आप रेडी रेकनर के हिसाब से जा सकते हो बट यू कैन नॉट एक्चुअली ब्रिंग डाउन द प्राइस इफ द सेलर इज होल्डिंग इट. अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स आई वुड से अ लॉट हाउ द बायर एंड सेलर मार्केट इज गोइंग. कभी कभी एक फेज आता है, जैसे अभी है ये सेलर्स मार्केट है, यहाँ पे अभी क्या है थोड़ा लिक्विडिटी ज्यादा है करेंट सिनेरियो में, तो जिसको जो प्राइस चाहिए यू नो दैट इज फेचिंग इट. कभी कभी एक मंदी वाला मार्केट आ जाता है, कभी बायर्स मार्केट हो जाता है. सो दैट इज द टाइम प्रोबेबली यू विल गेट अ बेटर डील. सो देयर इज नो
this thing. And coming to the taxation point of view, what happens is, for example, I purchased a property at 1 crore. Let's say I'm selling it at 1.5 crore. So, 50 lakh ka gain hua hai. That's where you have to pay tax on it. So, but that is also adjusted in terms of kya apne kabhi invest kiya, uska valuation kya hai. So, it's more of indexation benefit kind of thing. तो आपका प्रॉपर्टी जब ने आप खरीदा 1 करोड़ था, शायद आज के वैल्यूएशन के हिसाब से, रेकनर के हिसाब से, अगर 1.2 करोड़ से आपको 30 लाख पे टैक्स पे करना पड़ता है. उससे भी बचने के लिए देयर इज दिस गवर्नमेंट टैक्स फ्री बॉन्ड जो 7 ईयर के लॉकिंग के साथ. सो उसमें आप सी देखिए, पहला घर, पहला ऑफिस डेट फ्री होना चाहिए. दैट्स ट्रू. दैट्स अ वाइज इन्वेस्टर. A wise investor is talking this. Do I have a part of a challenge just to add to the leadership point? The biggest challenge would be to get the liquidity when you want. मैंने वो बोला ना, लिक्विडिटी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी अदर देन म्यूचुअल फंड, एक्विटी वगैरह. लास्टली मैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि पहला घर, पहला ऑफिस, यू ट्राई टू हैव डेट फ्री ऑल्सो, एंजॉय. इंडिया में है ना हम लोग. बट दूसरा घर, दूसरा ऑफिस, गाला, लैंड, प्लीज कंसल्ट अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट. आई एम नॉट दैट, सो आई डोंट थिंक आई विल बी ऑफ एनी वैल्यू टू यू. जी मैडम, ये श्योर आई नो बुक्स, नो थियोरी. यू विल हैव टू डू दिस प्रैक्टिकली. आई हैव फ्यू एक्सेल कैलकुलेटर्स. यू कैन कम टू माई ऑफिस ऑल्सो. वी कैन, आई मोर देन हैप्पी टू टीच यू. इट विल जस्ट टेक हाफ एन आवर. See, there are some valuations. Yeah, everything is there. It comes more through your experiences. Someone who has already experienced it. For example, someone who has been in the market for, let's say, 20 years, 30 years, there is a legacy present. That's why I'm not promoting anyone here, but that's why we say that advisor bhi zaruri hai. Yeah. They say, for example, whenever you are, let's say, driving a car, so that's when you learn it from someone and you don't start driving by yourself automatically. So true. So it's not a thing where, you know, it's self-driven. Probably that kind of relative experience what the opposite person can bring, because not everything can come through just concepts. There should be application, there should be a track record, everything goes that way. But to name few returns which you should definitely learn is CAGR, then you should learn XIRR, and then even rolling returns I would suggest. Yeah. So I'm not making it complicated, but I'm just trying to empower you so that you all can take right decisions. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Firstly, Mirai Asset for sponsoring this program for our members. Thank you, Ms. Alpa Shah, for taking your time out on a Sunday morning for us and enlightening us on so many important aspects of wealth management and wealth planning. And I'm surely going to reach out to you for blocking your time slot for a session on returns, how to calculate returns. So I'm sure our people will be very excited to know all those things. So thank you once again. Thank you SMS company for arranging Mirai Assets for Lokmanya Sarasana.